नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास दवे और आपका स्वागत है आपके अपनी स्वदेशी बिजनेस आइडिया के YouTube चैनल पे, जिसमें हम हर बार आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेके आते रहते हैं। और अभी गर्मी की सीजन चल रही है तो उस पे हमने आपके लिए एक नई सीरीज बनाई है, जो आप गर्मी में बिजनेस छोटे से स्मॉल इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सके और बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। ऐसी एक सीरीज हमने शुरू की है, उसके दो वीडियोस आगे आ चुके हैं, उसके थंबनेल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। वो वीडियोस आप नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे उसकी लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके आप वो वीडियोस देख सकते हो और आप गर्मी के कोई भी बिजनेस उसमें से शुरू कर सकते हो। और अगर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट में अपना जो भी क्वेश्चन हो वो लिख के हमारे पास से गाइडेंस ले सकते हो, आपका पूरा गाइडेंस जो होगा वो फ्री में दिया जाएगा। उसके बाद में अब ये वीडियो की बात करते हैं, तो इस वीडियो में जैसे हमने पहले दो वीडियोस बनाए हैं जिसमें चार चार गर्मियों के बिजनेस आइडिया जो है वो डिस्कस किए थे, वैसे ही ये जो है वो आखिरी तीसरा और आखिरी वीडियो है जिसमें हम गर्मी के बिजनेस के बारे में हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज भी मैं आपके लिए चार ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जो आप गर्मी के सीजन में शुरू कर सकते हो और बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। पहले वाले जो मैंने आपको बिजनेस आइडिया बताए थे वो करीबन आप 25,000 से लेके 1,00,000 तक में शुरू कर सकते थे, और ये आखिरी वाला बिजनेस है उसमें एक बिजनेस ऐसा भी है जो आपको लागत थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी, जैसे कि 2.5 से 3 लाख या 4 लाख की लागत लगानी पड़ेगी। पर उससे उसके बाद में एक बार आपने वो इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद में सालों साल तक वो आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा के देने वाला है, ऐसा भी बिजनेस एक लेके आया हूँ। तो वो बिजनेस बीच में कहीं भी आ सकता है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको वो बिजनेस के बारे में भी पता चलेगा और जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू हो सकते हैं वो भी अंदर आएंगे, उसके बारे में भी पता चलेगा। तो आपको ऐसे ही बिजनेस आइडिया बारे में वीडियो देखना हो या उसके बारे में जानना हो तो हमारी जो चैनल है उसमें सब्सक्राइब बटन है, वहां पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी इस वीडियो को और हमारे चैनल को भी, जिससे आपको बिजनेस आइडिया रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो वो मिलते रहे। और अब देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं ये पूरा वीडियो। जी दोस्तों, तो जैसे हमने आगे जो दो वीडियोस बनाए उसमें चार चार बिजनेस आइडिया जैसे डिस्कस किया है, वैसे ही इस वीडियो में भी चार बिजनेस आइडिया हम डिस्कस करते हैं। उसमें से जो पहला बिजनेस है वो है लीची जूस बॉटल फिलिंग का बिजनेस, यानी कि लीची एक फ्रूट आता है जो मार्केट में मिल जाता है, पर उसका जो जूस होता है उसको निकाल के आप बॉटल में फिल करके मार्केट में बेच सकते हो, क्योंकि जो लीची का जूस आता है वो बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको पसंद आता है और सबको टेस्टी लगता है। तो उसका बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, उसको बॉटल में फिल करके आप पैक करके मार्केट में बेच सकते हो और बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। उसके बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाया है, उसका थंबनेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके ये वीडियो देखिए और उसके बारे में पूरा समझिए कि ये लीची बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो आप कैसे कर सकते हो और उसमें कौन सी मशीन लगेगी, क्या लगेगा, वो पूरा डिटेल में आपको उस वीडियो में पता चलेगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लीची बिजनेस है उसकी लिंक दी गई है, उसपे से आप ये बिजनेस के बारे में सब जान सकते हो और ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये बिजनेस शुरू करने के बाद में आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये बिजनेस शुरू आप करीबन 1,00,000 तक में कर सकते हो और उसमें बाद में आप अगर वो बिजनेस शुरू करके मुनाफा देखने जाओ तो करीबन, ज्यादा नहीं बोलता हूँ, तो एक दिन में आप 1,000 से 1,500 भी गिन लो। चलो नॉर्मल में नॉर्मल आपने बिजनेस शुरू किया है, आपका मार्केटिंग अच्छा है और उसके बाद में आप ये सेलिंग करते हो तो 1,500 एक दिन का आप कमा सकते हो, और महीने के देखने जाओ तो 45,000 से 50,000 तो किसी के हाथ का नहीं है। ऐसे ये बिजनेस है आप वो कमा सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में, तो दूसरा बिजनेस आइडिया है वो है जूस पाउच या तो बॉटल फिलिंग का बिजनेस। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि आप कहीं भी एक ठेला लगा लो और वहां पे जूस बना के आप बेचो, तो जो बच्चे बूढ़े होंगे वो आएंगे और आपके पास से जूस खरीदेंगे, पिएंगे। तो बस ऐसा ही एक दूसरा बिजनेस आइडिया है जिसमें आपने देखा होगा यहाँ आपको जो पाउच दिख रहे होंगे वैसे आप पाउच फिलिंग करके मार्केट में बेच सकते हो। वो पाउच आप फिलिंग करने जाओगे तो 80
पैसे के आसपास में, 80 से 1 पैसे, 1 रुपए के आसपास में वो पाउच फिलिंग होके तैयार हो जाएगा मार्केट में जाने के लिए। और अगर आप मार्केट में बेचोगे तो वो आप करीबन 3 रुपए से 4 रुपए तक में बेच सकते हो, और जो दुकान वाला है वो 5 रुपए से 7 रुपए तक में वो पाउच बेच सकता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो पाउच का बिजनेस है, या तो आप बोतल फिलिंग करके भी आप दे सकते हो, तो उसका भी वीडियो मैंने, पाउच पैकिंग का भी वीडियो एक बनाया है, उसका थंबनेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके उस बिजनेस के बारे में भी जान सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में। तो आप ये जो पाउच फिलिंग का जो मशीन है, वो मशीन मार्केट में लेने जाते हो तो आपको वो 70,000 से 80,000, या तो ज्यादा अच्छे में अच्छे क्वालिटी में आप लेने जाओ तो 90,000 तक में आपको वो मशीन मिल जाता है। और उसके जो पाउच होते हैं वो आपको 20 पैसे 50 पैसे जैसे आप पाउच लेते हो वैसे हिसाब से आपको वो पाउच मिल जाते हैं। उसको आप फिल करके, मैंने जैसे आपको आगे बताया, फिल करके मार्केट में बेचते हो, और उसके बाद में आप अगर मुनाफा भी कैलकुलेशन करने जाओ तो 1,000 से 2,000 तक का मुनाफा आपको आपका ठीक ठाक मार्केटिंग रहा तो भी मिलता है। आप गर्मी के सीजन में ये बिजनेस शुरू करते हो और ठीक ठाक आपका मार्केटिंग करते हो तो उसमें इतना 1,000 से 2,000 तक का मुनाफा आपको एक दिन में मिलेगा। और आप बहुत ही अच्छे तरीके मार्केटिंग करो तो महीने में आप 1,00,000 तक कमा सकते हो। पूरा आपको डिटेल में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में उस पाउच फिलिंग का जो वीडियो है उसके लिंक में दे देता हूँ, वहां पे जाके आप वीडियो देखिए, और आपको पसंद आए और ये बिजनेस शुरू करना हो तो वहां पे आपको पूरी डिटेल दी गई होगी, वो आप बिजनेस शुरू कर सकते हो और बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं तीसरे बिजनेस के बारे में। तो तीसरा बिजनेस है उसकी मशीनरी के बारे में बात करता हूँ, और उससे आप कितने टाइप्स के बिजनेस कर सकते हो वो आपको बताता हूँ। तो वो मशीनरी का नाम है जो कप पैकिंग या सीलिंग मशीन, यानी कि आप जो कप होता है, आपका जो ग्लास आता है प्लास्टिक का ग्लास, उस पे आप कैसे सीलिंग लगा के उसको मार्केट में बेच सकते हो। तो सीलिंग लगाओगे पर अंदर भरोगे क्या, तो आप बहुत ही अलग अलग टाइप के बहुत ही चीज उसमें भर सकते हो, जैसे कि छाछ हो गई, लस्सी हो गई, उसके सिवा मिल्क शेक हो गया, उसके सिवा आपका कोई भी सोडा हो गया, उसके सिवा आप उसमें फ्लेवरेड मिल्क भर सकते हो, या तो जूस भर सकते हो, या तो वाटर भर सकते हो। ऐसे कप को आप सील करके मार्केट में बेच सकते हो और उससे भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका थंबनेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो वो वीडियो आपको देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके उस बिजनेस के बारे में पूरा टोटली आप जान सकते हो और कैसे आपको शुरू करना है, या आपको क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, मशीनरी क्या लगेगा, वो भी आपको उस वीडियो में बताया गया है। तो आप थोड़ा सा भी इस वीडियो को भी मिस ना करिए और इस वो वाले वीडियो को भी देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप वो बिजनेस कैसे कर सकते हो और महीने के कैसे 50,000 से 80,000 तक का मुनाफा इस बिजनेस से कमा सकते हो। अगर आप ये कप सीलिंग मशीन अपने घर पे लगा लेते हो तो आप ज्यादा नहीं तो 10 से 15 अलग अलग टाइप्स के बिजनेस आप घर से शुरू कर सकते हो। अकेले गर्मी के नहीं, आप सर्दी में भी, गर्मी में और बारिश के मौसम में भी उस मशीन का यूज करके आप मार्केट में अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ा सकते हो। तो ये जो एक मशीन है उससे आप 10 से 15 तरीके के अलग अलग बिजनेस कर सकते हो, वो आपको वीडियो में भी बताया जाएगा, तो उस लिंक से आप वीडियो पे जाइएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले बिजनेस के बारे में, तो वो है सोडा मेकिंग बिजनेस, यानी कि आप जो सोडा होते हैं अलग अलग फ्लेवर के, जैसे कि काला खट्टा हो गया, ऑरेंज हो गया, वैसे टाइप के अलग अलग बहुत सारे सोडास होते हैं, तो उसका एक मशीन आता है जो आप अपनी वैन में भी लगा सकते हो या तो आप अपनी शॉप में भी लगा सकते हो, और वो लगाने के बाद में आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप वैन में लगाते हो तो वो जो बिजनेस है, या तो आपके वैन में जो मशीनरी पूरा लगाने के बाद में पूरा वैन तैयार होगा, वो करीबन 2.5 से 3 लाख में शुरू हो जाता है। और अगर आप अपने शॉप में लगाते हो तो मशीनरी का प्राइस आप देखने जाओ तो 2 से 2.5 लाख तक का आता है, और उसके बाद में जो उसका रॉ मटेरियल लगता है वो कुल मिला के 3 लाख में आप उसका जो बिजनेस है वो बिजनेस शुरू कर सकते हो। और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है वो 12 मास चलने वाला है, 12 महीने चलेगा, और उसमें से आप बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, उसका एक ग्लास है वो मार्केट में आप लेने जाओ तो 10 रुपए में मिलता है, एक सोडा का ग्लास
वो आपको 10 रुपए में मिलेगा, पर उसका जो प्रिपरेशन यानी कि वो बनाने का जो पूरा मिक्सचर और उसमें जो वाटर आता है और उसका प्रीमिक्स आता है वो सब मिला के वो देखने जाए ना तो 2 से 3 रुपए में वो बन जाता है, और आप मार्केट में बेचते हो 10 रुपए में। आपका जो बिजनेस होगा सोडा का बिजनेस वो B2C होगा, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, आप उसका मार्केटिंग करोगे और बेचोगे भी तो आप 3 रुपए से 4 रुपए में बना लेते हो और 10 रुपए में बेचते हो तो 6 रुपए का मुनाफा एक ग्लास पे। वैसे आप देखने जाओ, दिन में ज्यादा नहीं बोलता हूं, अगर आप 500 ग्लास भी बेचते हो तो आपका 3,000 रुपए हो गया मुनाफा सिर्फ एक दिन का। ऐसे आप 30 दिन का गिनो तो 90,000 से 1,00,000 तक का मुनाफा किसी के हाथ का नहीं है अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हो तो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा, आप ये बिजनेस वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके शुरू कर लेते हो तो आप सालों साल इससे कमाते जाओगे और बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा इससे कमाओगे। मैं आपको बोलता हूँ कि एक साल में तो आपका पूरा मशीनरी का कॉस्ट और आपका जो भी लागत लगा होगा, जितना भी इन्वेस्टमेंट लगा होगा, वो सब फ्री हो जाएगा और उसके बाद में आपको बहुत ही अच्छा उससे रिस्पॉन्स मिलेगा, फायदा भी मिलेगा। और अगर आप इस बिजनेस के बारे में यानी कि सोडा मेकिंग बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस बिजनेस का लिंक भी दे दूंगा, यहाँ पे आपको उसका थंबनेल दिख रहा होगा, पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसका, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ। आप वहां पे जाके उसका बिजनेस कैसे शुरू हो सकता है, क्या मशीनरी लगती है, कहाँ से मिलेगी और उसका रॉ मटेरियल क्या रहेगा, वो सब जान सकते हो और वहां पे आप पूरा देख सकते हो कि कैसे वो बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो ये चारों बिजनेस मैंने आपको बताया है। अगर कोई भी बिजनेस के बारे में आप कोई कवर स्टोरी या तो उसका रिसर्च स्टोरी बोलते हैं, कोई ये बिजनेस कर रहा है और उसके पास से आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो उस बिजनेस वैसा बिजनेस कोई कर रहा हो तो उसका मैं इंटरव्यू लेके भी अपने चैनल पे लगाऊंगा जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले। और अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसके बारे में डिटेल में आपको उसकी जानकारी मिले तो ऐसा भी वीडियो में बनाऊंगा अगर आपकी फरमाइश रही तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हो तो भी कमेंट में मेरे को बताइएगा तो मैं ये सीरीज चालू रखूंगा। अभी तो क्या है कि मैं सोच रहा था कि 3 वीडियो मैं गर्मी पे बनाऊंगा, अगर मेरे जो व्यूअर्स है उसको पसंद आएंगे तो मैं ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, तो ये 3रा वीडियो मेरा खत्म हो गया है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो कमेंट करिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता जाऊं, ऐसे ही डेडिकेशन मैं आपके लिए देता जाऊं। और आपको अगर बिजनेस करना हो तो मेरी चैनल के वीडियोस देख के आपको सही गाइडेंस मिले और उसके साथ में आप सही से अच्छा बिजनेस शुरू कर पाए, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। तो मेरे को आपका ऐसा ही प्यार देते रहिएगा और बस इसी के साथ में मैं ये पूरा वीडियो यहाँ ही समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ में शेयर भी करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके आपका बहुत सारा प्यार देते रहिएगा। तो बस ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ, आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद।